टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों की मदद करने की बात कर रही है, तो वहीं इस प्रदेश सरकार की राशन वितरण प्रणाली को राशन डीलर ही पलीता लगा रहे हैं। सरकार भले ही गरीबों को राशन बढ़ाकर देने की बात कर रही है, लेकिन कुछ राशन डीलर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। बुलंदशहर के खुर्जा से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां राशन डीलर अपनी मनमानी से राशन बांट रहे हैं। ये तस्वीर है बुलंदशहर के खुर्जा से, जहां सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर किस तरीके से यह राशन डीलर अपनी मनमानी कर रहा है। राशन लेने आए लोगों की माने तो यह राशन डीलर एक यूनिट पर मात्र 3 किलो गेहूं और 1 किलो चावल वितरण कर रहा है, जबकि सरकार ने इस बार प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 1 किलो चावल को बढ़ाकर कार्ड धारकों को देने की बात कही है। यही शिकायत एक दो लोगों की नहीं बल्कि राशन लेने आए अधिकतम लोगों की यही शिकायत है। छह यूनिट में कितने चावल दिए गए? मतलब काके में 6 किलो चावल दे रहे और 18 किलो गेहूं, यानी एक यूनिट में 1 किलो दे रहे। हाँ, जामे 2 बच्चन को हमारा मिल लो नहीं है अभी। अच्छा, 3 किलो गेहूं 1 किलो चावल, ये तो यही जान सकते जी। क्यों सारे 2 किलो पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा? ये 12 किलो पर 40 रुपए ले रहे हैं। ये 12 किलो गेहूं और 4 किलो चावल पर 40 रुपए ले रहे हैं, जबकि 28 रुपए कुछ पैसे होते हैं। और पिछले कुछ दिनों से जैसे कि पूरे भारत देश में कोरोना की महाबीमारी चल रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि 3 महीने का राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और जितना राशन तय है उतना ही राशन दिया जाएगा। परंतु हमारे क्षेत्र के कुछ राशन डीलर, जिसमें कि अमरीश गौतम, उषा और ये तुम्हारा वेद प्रकाश, ये तीनों राशन डीलर, जो कि मुझे अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी है, हमारे क्षेत्र की गरीब जनता को 3 किलो तो गेहूं दे रहे हैं और 1 किलो चावल दे रहे हैं, जबकि फ्री देने की बात थी उसके बाद भी पैसे ले रहे हैं। और कोई भी गरीब आदमी अगर ऐतराज उठाता है तो उससे सीधे धमकी देते हैं कि बुला ले योगी को और बुला ले मोदी को और आगे का राशन बंद कर दिया जाएगा। ये संजय जी के और अमरीश गौतम के जवाब है, और उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, किसी भी आदमी के साथ ये तमीज से बात नहीं करते हैं। मेरा शासन से और प्रशासन से ये निवेदन है कि या तो इनकी जांच की जाए और जांच में जो गलत पाया जाए उसके साथ उचित कार्रवाई की जाए। हमारे घर में 3 यूनिट हैं। कितना कितना मिला है आपको जो गेहूं मिले हैं चावल? 3 किलो गेहूं 1 किलो चावल। अच्छा, 3 किलो गेहूं और 1 किलो चावल। हाँ, अच्छा, उतना ही मिला। महामारी की इस घड़ी में जहां गरीब और असहाय लोगों को मदद की ज्यादा जरूरत है, तो वहीं ये राशन डीलर अपनी मनमानी कर गरीबों के हिस्से का अनाज तक डकार रहे हैं। आरोप है कि राशन डीलर किसी को 3 किलो तो किसी को 4 किलो पर यूनिट गेहूं बांट रहे हैं, जबकि 5 किलो गेहूं व 2 किलो चावल पर यूनिट बांटने के आदेश प्रदेश सरकार ने दिए हुए हैं। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची खुर्जा की उपजिलाधिकारी ईशा प्रिया ने मामला संज्ञान में लेकर 2 राशन डीलरों के विरुद्ध रिपोर्ट तैयार कर बुलंदशहर जिलाधिकारी को भेजी है। हमें आज कल रात से और आज से ही काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि जो कोटेदार हैं वो जो निश्चित है कि 5 किलो पर यूनिट पीएचएच वालों को देना है उससे कम दे रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 डीलर्स के यहाँ औचक निरीक्षण किया। एक तो चरण सिंह हैं जो कि बालाजी मंदिर के पास सिटी स्टेशन के पास के हैं, उनके यहाँ हम लोगों ने पाया कि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग कम मात्रा दे रहे हैं, किसी को 3 किलो किसी को 4 किलो। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने आख्या बना के एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जिलाधिकारी महोदय के लिए बना दिया है। और साथ में एक और हैं अर्जुन सिंह जो कि जंक्शन स्टेशन के पास के हैं, उनका भी हम लोगों ने पाया कि वो 5 की जगह 4 किलो पर यूनिट दे रहे थे, तो उनके खिलाफ भी सेम कार्रवाई की जा रही है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय को भेजी जा रही है आखिर FIR की अनुमति हेतु। अब देखना यह है कि बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार इन राशन डीलरों के विरुद्ध किस तरह की कार्यवाही करते हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।